अस्सलाम वालेकुम, आ जाए हैं हम अब्बा की दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम मिंसा, सलाम कर, ऐसे तो कर दे ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, अनस गया है सामान लाने और डैडी गए घर पे खाना खाने के लिए। हम दोनों हैं दुकान पे और हमारे साथ ये देखो एक बच्चा भी है, जिसने कूलर बंद कर दिया। अभी करंट लगेगा तू जरूर जा, मिंसा ने लॉलीपॉप ले लिए और इब्नुल परेशान कर रहा है। इब्नुल इधर आ चल, बहुत मारूं तो उठवा लेगा। ये हमारा हेलीकॉप्टर वाला कूलर चालू हो गया है। मेरा बाहर का भीड़ और 10-15 मिनट में आ ही जाएगा। आज आयत कुछ बोलना चाहती है, सब ध्यान से सुनना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा पहला मुहर्रम है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। पता चलेगा मुझे भी अब मुहर्रम में क्या क्या करा जाता है। अनस और बाकी सब लड़के आज रात को शरबत बनाएंगे। उन लोग सब अलग अलग फ्लेवर बनाते हैं और सब अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं हमारे घर से। बाकी के भाई लोग अलग अलग सामान देते हैं और जो मेरे मियाँ हैं अनस वो तो खुद बनाने जाते हैं रात में सब लड़कों के साथ मिलके। मिंसा क्या बोली आयत ने? मिंसा कुछ बोल ना, कुछ तो बोल आयत, इसे बुलवाना कुछ। बोल ना, कुछ तो बोल। हाय हेलो, खाना हुआ? बोल। नहीं, इब्नुल तो परेशान कर रहा है, बोर्ड में जा रहा है बार बार। मैंने कूलर ही बंद कर दिया, करते रहे धुआं पे बंद चालू। अभी चिपक जाएगा ना वहाँ पे तो इसको डंडे से मारेंगे। आया नहीं है ना सभी तक, बारिश होनी चालू हो चुकी है, अंधेरा लग रहा है, अब से शाम भी नहीं हुई। क्या ढूंढ रही हो आपा? आज दूध ऐसा बिकेगा ना और शरबत बनाने के लिए रुआ भी अनस को बोली हूँ बना लाने आज। हाँ आज आज के दिन भी बनता है ना, आज के दिन घर में शरबत बनता है। आ चुके हैं, थैंक गॉड। हम जाएंगे घर पे, खाना खाएंगे और आराम करेंगे। तब से हम लोग बैंक गए हुए थे, वहाँ इतना टाइम लग गया, 3-4 घंटा हो गया। खाना खाया था। इंसान को बहुत मार खाई थी। अभी हो चुका है शाम का टाइम और आयत करेले की कटिंग कर रही है, खुद जाकर मार्केट से लेके आई है। और ये अलसैन लेटा है, अलसैन बोल रहा है मेरी वीडियो बनाओ ना, टूट जाएगी छतरी। तोड़नी है? क्यों? गंदा बच्चा है, गंदी है। बारीक बारीक अम्मा,
और इसके बीज निकाल देंगे। ये नहीं पकाने, हमारे घर में ये नहीं पकते बीज। अब मिर्च से कटे नहीं जा रहे थे करेले, तो फौजिया भाजी ने ले लिए। खिला दे, अब मैं काटती हूँ क्योंकि इनके साइज मुझे एक बराबर नहीं करना पड़ा। एक पतला एक मोटा काट रही थी मैं। तूने छुरी भी वो लिए इसमें, इसके लिए बाजी ने बोले अब चल मैं काटती हूँ। भाभी दूसरी छुरी दो। और ये बाजी के दोनों चिल्लर बहुत परेशान कर रहे हैं, करेला उठा उठा के फेंक रहे हैं। क्या हुआ? करेले की कटिंग हो चुकी है, अब इसके जो सीड्स है वो निकाल लेंगे और फिर इसको सॉल्ट डालकर रख देंगे। मिक्स कर दिया ना तूने, अब तो मार खाएगा। करेले की कटिंग हो चुकी है, अब उसे हमने नमक लगा के छोड़ दिया है पानी निकलने के लिए। अब हो रही है ऑनियन की कटिंग, ये है 6 ऑनियन। अब इसको बारीक लंबा लंबा काटेंगे, ये भी करेले में ही जाएगा। और इसके साथ काटेंगे टमाटो बटाटा, टमाटो भी इसमें जाएगा करेले में कांदे के साथ, मगर बटाटे की सब्जी अलग बनेगी क्योंकि मैं करेला नहीं खाती। हम ये ज़्यादा हो गया, बिना करेले वालों के लिए बटाटे की सब्जी बनेगी। और दोपहर की दाल चावल है, और दोपहर के दाल राइस भी है, चिकन अंगारा भी है, मगर फिर भी बटाटे की सब्जी बन रही है और रोटी भी बन रही है। और रोटी अभी बन रही है, घर की हालत ये हो गई है, बच्चों लोग ने सब फैला दिए। ये हमारे घर की एक कैट आई, ये री तैनूर, इसने बिल्ली को उठा के रखी है। अब हो रही है टमाटो की कटिंग, इसको भी हम लंबा लंबा काटेंगे पतला। मम्मी बाहर गए हैं और मम्मी के आने से पहले हमको ये सब काट के रखना है। मम्मी आके पकाएंगे, मम्मी आके करेले की सब्जी बनाएंगे। मास्टर शेफ अभी बाहर गए हैं और जो शेफ है वो भाजी काट रहे हैं। मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आ गया। टमाटो और कांदा कट चुका है, अब कट रहा है बटाटा। हम इसे भी लंबा और पतला ही काटेंगे। मम्मी आ चुकी है और मम्मी ने भाजी पकने रख दिए थे। ये पोटैटो की भाजी बन रही है, इसमें सिर्फ सूखी लाल मिर्ची, ऑयल और नमक ऐड हुआ है बस। और अब ये बन रही है और यहाँ करेले फ्राई हो रहे। इसमें मम्मी को कैरी डालना था लेकिन आयत लानी भूल गई थी। ये फ्राई हो जाएंगे, फिर ऑनियन और टमाटो फ्राई करके इसमें करेले ऐड कर लेंगे। और ये आयत बर्तनों की क्लीनिंग कर रही है। सब नाश्ते के बर्तन है, यहाँ पर सो रही है। दूसरी वाली कहाँ है मम्मी? करेले मम्मी ने निकाल चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए ये। अब ऑनियन फ्राई करेंगे। ये करेले की सब्जी रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगती है, स्पेशली दाल चावल के साथ।
और वो है सूखी लाल मिर्ची। और ये रही दूसरी भाजी, ये भी रेडी हो चुकी है। ये अम्मी ने आके बनाया हमारे मास्टर शेफ ने, और थोड़े से ग्रीन चिली और ऐड कर दिए तीखा होने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। बर्तनों की भी क्लीनिंग हो गई है, बस अब ये लगाना है, और रोटी भी बन चुकी है। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे वापिस नेक्स्ट वीडियो में।